नमस्कार जी, ग्रैंड फोर्ट सावन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जन सैलाब उभर के सामने आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रैली निकाली गई है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जन सैलाब जो है वो यहाँ पर जम्मू के पनामा चौक में उभर के सामने आया है। और आपको ये बताते चले कि इस तरीके से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई है और कई मुद्दों को यहाँ पर सामने जो है वो रखा गया है और साफ तौर पर भाजपा पर यहाँ पर निशाना साधते हुए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नजर आ रही है। बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आपने खास मुद्दे रखे हैं, राशन को लेकर आपने खास मुद्दा रखा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपको मालूम है कि जब आजाद साहब की सरकार थी रियासत जम्मू कश्मीर में, तो उस वक्त 50 किलो राशन कार्ड राशन लोगों को मिल रहा है। फिर बीजेपी और पीडीपी की सरकार जब बनी तो उन्होंने रिड्यूस करके उसको 35 किलो कर दिया। और आज एलजी सरकार ने सिर्फ बीपीएल अंत्योदय और अन्नपूर्णा को 5 किलो राशन रखा है, बाकी एपीएल को कोई राशन नहीं देते हैं। कार्ड खाली हैं, पूरे सेल स्टोर खाली पड़े हैं और वो लोग जाएंगे कहाँ? गरीब आवाम, एक तौर से मजदूरी उनको नहीं मिली। वो दौर जो आजाद साहब का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का मामला, वो खत्म हो रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद ये कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें तो गाँव में या पहाड़ी इलाकों में कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही। आज देखिए आप, इस राशन के लिए लोग मर रहे हैं, राशन के लिए आज लोग तड़प रहे हैं। हमारा ये आज ये जो प्रोटेस्ट है, जो हमने 8 तारीख को कश्मीर में किया और बाद में मेमोरेंडम हमने डीओकॉम को दिया, उसी तरह से हमारा आज ये जम्मू में 12 तारीख को आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और मेमोरेंडम जो है डिविजनल कमिश्नर को देने जा रहे हैं। हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, लोगों के हित की बात करती है, लोगों की मुद्दे की बात करती है, और बाकी कोई पार्टी है वो सोई हुई है, कोई मुद्दा नहीं लोगों का। पहले हमने जमीन का मुद्दा उठाया और वो आजाद साहब की वसालत से हल हुआ। आज हमारे आपका साफ तौर पर ये कहना है कि जो दूसरी पार्टी है वो सोई है? नहीं, हम नहीं वो कह सकते हैं, कोई सोया हुआ, उसकी अपनी मर्जी। मगर लोगों के मुद्दे जो उठा रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी उठा रही है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद साहब की पार्टी उठा रही है। बाकी पार्टियां मुद्दा नहीं, वास्ते वो उनका काम है, वो करे नहीं करे, मगर लोगों की जहां गुजारिश। राशन के बगैर लोग मर रहे हैं, आज बिजली का किराया आसमान छू रहा है, आज प्रॉपर्टी टैक्स 31 अगस्त तक आपने पे करना है, लोगों को सख्त नहीं है पे करने की प्रॉपर्टी टैक्स। लिहाजा ये सारी चीजें, सारे मुश्किलात जो है ये लोगों के हैं के लिए, इसीलिए आज देखिए एजुकेशन को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, इन्होंने विंटर जोन और समर जोन को इकट्ठा कर दिया। आज देखिए रामबन में आप कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में कहीं ना कहीं गरीबों को जो है वो तंग किया जा रहा है, गरीबों से जो राशन जो पहले आप कह रहे हैं कि मिलता था, अब वो राशन जो है वो रिड्यूस कर दिया, वो भी रिड्यूस कर दिया और लोगों के पेट पे छुरा मारा। लिहाजा लोगों को, लोगों के हित की कोई बात नहीं है। आप लोगों की हित की अगर बात होती है, जो रोड कहते हैं हम इतनी रोडें बनाएंगे, पहले इन्होंने कहा कि हम कंपनसेशन नहीं देंगे, मेरी ओनर लैंड है, मेरा मकान है, मेरी दरख्त है, कहते हम कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। ये क्या मतलब? जब 1300 करोड़ रुपया आजाद साहब ने उस वक्त एज ए स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए लाया और फिर जाके यहाँ PMJSW की रोडें बनी, तब जाके आज गांव-गांव में रोडें जा रही हैं। लिहाजा इन्होंने वो बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? आपने राशन पे सवाल उठाया है, जब लॉकडाउन लगा था, जब महामारी देखने को मिली थी, तब भाजपा ने ही फ्री राशन जो है वो लोगों को दिया था ताकि कोई भी बिना खाए जो है वो मरे ना, बिना जिस तरीके से महामारी जो है वो फैल रही थी, और आज राशन पे ही सवाल उठाए। देखिए बात यह है कि जब कोविड का मसला था, उस बाहर के लोग जो यहाँ फंसे थे उनको फ्री राशन था, जो हमारे लोग उनको 5 किलो का राशन पूरे इंडिया में काम किया कि अंत्योदय अन्नपूर्णा और बीपीएल को देंगे। 5 किलो से क्या बन सकता है उसमें, जिसके 10 घर में 10 लोग वो क्या करेंगे? लिहाजा उन्होंने MMS जो JK FPS राशन देते थे, जो 35 किलो देते थे, वो भी बंद कर दिया। पहले 50 को 35 पे लाए और 35 को आज 5 किलो पे लाए, ये तो हमाकत की बात है, ये तो लोगों के पेट पे छुरा मारने की बात है। गरीब जाएगा कहाँ, किधर जाएगा वो? लिहाजा आज उनको 5 किलो राशन वो भी लिफाफे में लेते हैं, शर्म की बात है। इसको बढ़ाना चाहे, इंक्रीज करना चाहे, क्योंकि झालाबारी से हमारी जमीनें तबाह हो गई, झालाबारी से हमारे हॉर्टिकल्चर कश्मीर का पूरा तबाह हो गया। लिहाजा इन चार चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये प्रोटेस्ट किया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि जी देखिए ऐसा है, ये जो मौजूदा सरकार है इन्होंने हद ही कर दी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो ओल्ड एज पेंशन है वो दी जाती है गरीब लोगों को, जो और वो बड़ी मीगर सी है, 1000 तक वो देते हैं, वो भी 3-4 महीनों को ही लोगों को नहीं मिल रही है। जो 1000 से क्या करेगा, वो अपना पेट कहाँ से भरेगा? तो उस हमारी
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की ये डिमांड रहेगी कि उसको इंक्रीज किया जाए और हर महीने उनको दिया जाए। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं 2014 में लेके 2023 तक 3 लाख बच्चा पढ़े लिखे खजल खराब होया, ब्लॉक में जॉब कार्ड बने दे 9 साल हो गए तुम दिहाड़ी लभी जेले 60 रुपए दिहाड़ी नहीं जदू बोले काम कराते ठेकेदार हूं मतलब ठेकेदार काम करा देने हूँ 500 रुपए दिहाड़ी देंगे ने जल 60 रुपए दिहाड़ी देंदे वाले काम किया हूँ 10 साल हो गए जो बीजेपी सरकार आई दी है 10 साल हो गए साढ़े जॉब कार्ड कैंसल हो गए थे बीपीएल की बत्ती जी जी देंदे सू पहले फ्री वह भी बंद कर दी है इंदिराबाद जो मकान मिलते हे वह भी बंद कर रहे पेंशन देंदे 1000 रुपए महीने की 1000 रुपए महीने लैके फरवरी तक उन्होंने पेंशन बंद कर दी है आधार कार्ड मंगते डोमिसाइल मंगते स्टाम्प मंगते सर्टिफिकेट मंगते अस्पताल का कुत्थू देने लोगों ने एक फाइल बनानी 500 रुपए लेंदे ने गरीब बंदा 500 रुपए कुत्थू देगा जी। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं और आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनसलाब जो है वो आज यहाँ पर जम्मू के पनामा चौक में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का उभर कर सामने आया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रैली निकाली गई है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं और वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि राशन को लेकर भाजपा पर यहाँ पर साफ तौर पर निशाना साधा गया है और राशन को लेकर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो पहले राशन मिलता था उसमें से 50% जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि जो पहले 10 किलो राशन मिलता था अब वो 5 किलो मिल रहा है जहां पर लोगों का गुजर बसर नहीं हो रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर्स कार्यकर्ता की बात करें सड़कों पर है बड़ी रैली जो है वो जनसलाब जो है आप ये देख सकते हैं सड़कों पर है और यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार भाजपा के कार्यकाल में राशन को जिस तरीके से रिड्यूस किया गया है तो गरीब लोग जो गरीब तबके के लोग हैं आखिरकार उनका गुजर बसर किस प्रकार से होगा। ये साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और कई सारे सवाल यहाँ पर सीवीटी को लेकर भी खड़े किए हैं और कई सारे सवाल जो है आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी सवाल जो है वो खड़े किए। मैम क्या कहेंगे? ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी ये हमारी सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, कभी बच्चों की एजुकेशन के साथ खिलाफ करते हैं, कभी डिमोलिश ड्राइव चलाते हैं, तो ये सरासर गलत चीजें हैं। लोग सरकार बनाते हैं कि लोगों की आवाज सुनी जाए, लोगों के मुद्दों पे बातें की जाए, ये नहीं कि लोगों को बेघर किया जाए। हमारी सरकार का स्लोगन था कि 2024 तक हम हर इंसान को छत देंगे, पहले उन्होंने डिमोलिश ड्राइव चला दी, फिर इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं। हमें उस चीज पे काम करना चाहिए कि जिन चीजों पे लोगों की डिमांड हो, ना कि लोगों को पैनिक किया जाए, लोगों को परेशान किया जाए। और हमारी सरकार से यही डिमांड है, उम्मीद है, हम करेंगे कि जो हमारी एलजी सरकार है वो लोगों को परेशान करना बंद करे। ठीक है, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से आपको बताते चले कि कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े किए हैं राशन को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर और साथ ही साथ सीयूईटी को लेकर। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर बड़ा जनसलाब जो है सड़कों पर उतर कर सामने आया है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं?